फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में जगह आप चाहते हैं कि उसको रीसेट करना तो कैसे रीसेट कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें फ़ोटो, वीडियो वगैरह उन सब का बैकअप बना लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रीसेट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं इन सब में से सारा फ़ोटो है मैं अपने कंप्यूटर में डाल लिया। आप देख सकते हैं इसमें 00 है, इसमें कुछ भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं हैं। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है रीसेट करने के लिए, आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग दिखेंगे। एडिशनल सेटिंग में सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से आपको यूज़र अकाउंट में जाना होगा और यहाँ से आपका जो भी जीमेल आईडी है उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। और रिमूव यहाँ पे अकाउंट जो भी दिखेगा रिमूव कर देगा गूगल पे क्लिक करके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो जीमेल आईडी रिमूव करने के बाद आप अपना व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़र अकाउंट में देखने को मिलेगा। फिर एडिशनल सेटिंग में जाइएगा। फिर एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको रीसेट एंड बैकअप पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर से इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से लॉक लगा होगा तो खोलने के लिए बोलेगा, लॉक खोल लीजिएगा। उसके बाद आपको ये इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपका डिवाइस है जो कि रीसेट करने के लिए फुल्ली रेडी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और इसे आगे क्या ऑप्शंस आता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइप का ऑप्शंस आ गया है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको वाइप भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी विदाउट FRP लॉक रीसेट होगा। सारा खेल जीमेल आईडी से ही FRP लॉक लगता है, तो आप जीमेल आईडी हटा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में FRP लॉक नहीं लगेंगे, ठीक है। और थोड़ी देर में ये आपका यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, ओप्पो पावर्ड बाई एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आता है तो आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो इजीली आप रीसेट कर पाएंगे मोबाइल को। और आपका जो भी डाटा होगा, जो हैंगिंग होता है, ये सब के बारे में, ये हैंगिंग वगैरह होता है तो आप उस केस में भी अपने डिवाइस को आप रीसेट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। हीटिंग होता है, हीटिंग प्रॉब्लम भी आप अपने सॉल्व कर सकते हैं इसके द्वारा। रीसेट करने की वजह से आपका जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। अगर अपडेट करते हैं तो उससे भी आपका जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो गाइस, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे ये वाला खुल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे क्योंकि बैकग्राउंड में ऐप्स प्रोसेस हो रहा होता है। तो गाइस, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊँगा जैसे ही और भी ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो कि टाइम लगता है इसमें, और यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो चुका है लेकिन अभी भी लोडिंग हो रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया कि क्या हो गया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली आप काम कर सकते, करते रहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस करने की ज़रूरत है। और इसको बस आप इसको लगा करके उसके बाद इस तरीके से छोड़ देना है ये, और ये जैसे ही हो जाएगा आपका स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद क्या सेटअप करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कई लोगों कमेंट आ रहा था कि काफ़ी देर हो गया, आधा घंटा हो गया, मेरा ऑन नहीं हो रहा है, आपकी वजह से फ़ोन ख़राब हो गया। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये निशान आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ओप्पो के फ़ोन में। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद मैं आगे वीडियो पोस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आगे, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएंगे वीडियो। थोड़ा सा वेट करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन है जो कि रीसेट हो चुका है। अब मैं फटाफट से इसको सेटअप कर लेता हूँ। सेटअप करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद स्किप बटन दिखेगा, आप यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं स्किप हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इन सभी को ऑफ कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फिंगरप्रिंट आप बाद में लगा लीजिएगा, फिंगरप्रिंट, पैटर्न लॉक वगैरह। साइन इन अकाउंट करना चाहते हो सब बाद में कर लीजिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर दीजिए, फिर से नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पे वेलकम वाला ऑप्शंस आ जाएगा। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपका जो डिवाइस है वो फुल्ली रिसेट हो गया। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोग का रिप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस है जो कि रीसेट हो चुका है और कोई FRP लॉक नहीं लगी, कोई FRP लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।